नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएबीपी के 60वें अधिवेशन को किया संबोधित, बोले आशा के प्रतीक हैं फिजियोथेरेपिस्ट। पीएम मोदी ने जाफना सांस्कृतिक केंद्र को बताया भारत श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण पहल, साझा की तस्वीरें। त्रिपुरा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा पहले पुलिस स्टेशनों पर सीपीएम का कब्जा था, अब बीजेपी के शासन में कानून राज। कर्नाटक के पुत्तूर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोली कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेडी पर बोला हमला, बोले ओडिशा में अराजकता का माहौल है। राहुल गांधी को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले देश मान चुका है मोदी के सामने राहुल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना, बोले 1,00,000 करोड़ थी आमदनी और 2.5 साल में 13,00,000 करोड़, कौन सा जादू कर दिया। शिक्षकों के कार्यक्रम में बोले सीएम केजरीवाल, कहा दिल्ली पंजाब के सरकारी स्कूलों को बनाएंगे दुनिया में बेस्ट। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर कसा तंज, बोले महाविकास आघाड़ी के शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हरियाणा सीएम मनोहर लाल मांगे माफी, एसजीपीसी प्रधान बोले अरदास में बिना सिर ढके खड़ा होना सिख मर्यादा के उल्लंघन। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले अंग्रेजों से बार बार माफी मांगने वाले शख्स के नाम पर संग्रहालय क्यों। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा चुप्पी किसी समस्या का हल नहीं, अपना उदाहरण दी, बताया जीवन में रिस्क लेना क्यों है जरूरी। आईएसआई और अलकायदा से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद। हिमाचल में दुनिया के सबसे जहरीले सांप का रेस्क्यू, 4 से 5 फीट लंबा सांप को वन कर्मियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। अल नीनो से भारत के मानसून पर खतरा, सामान्य से कम हुई बारिश, यूएस मौसम विभाग ने दोबारा जारी की चेतावनी। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में 72,000 करोड़ का होगा निवेश, 110 चिकित्सीय संस्थान खोलने की तैयारी। जौनपुर में बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, एक वर्ग धर्म के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है, न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया को राह दिखाने वाला प्रदेश बन चुका है यूपी, बोले डॉक्टर मनसुख मांडविया, बोले हेल्थ का डायमेंशन बढ़ा दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले यूपी में 3 लाख नई बसें आएंगी, 1.5 लाख नौकरियां भी मिलेंगी।
लखनऊ को लक्ष्मणपुर बनाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया, बोले तहजीबों के इस शहर से लक्ष्मण का कोई वास्ता नहीं। यूपी में होंगे 21 एयरपोर्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का होगा निर्माण। आगरा किला बना लघु भारत का साक्ष्य, G20 देशों के मेहमान लाइट साउंड शो देख हुए अभिभूत। हनी ट्रैप का सॉफ्ट टारगेट, उम्रदराज लोग डेटिंग ऐप पर हुस्न के जाल में फंसाती हैं ये महिला, एक साल पहले कारोबारी की ली जान। ₹50 लाख का सोना लेकर नौकर लापता, मेरठ में सराफा कारोबारी ने गलाने के लिए बाजार भेजा था। चारबाग में खड़ी बस में लगी आग, यात्रियों में मची भगदड़, 3 दमकलों ने पाया लपटों पर काबू। श्रावस्ती में 3 लग्जरी गाड़ियों में लगी आग, राजपूत कॉलोनी के कंपाउंड में खड़ी थी कारें, एक गाड़ी नई थी। गाजियाबाद में एक डॉक्टर की क्लिनिक में हत्या, मरीज बनकर आया हमलावर, पिस्टल से ताबड़तोड़ की फायरिंग। चंदौली में दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने हाईवे किया जाम, एसपी गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में एक की मौत, नोएडा में 6 दोस्त मुरथल खाना जा रहे थे, 2 की हालत गंभीर। गर्लफ्रेंड को टेडी बियर देने मामले में कर्मचारी लामबंद, मेरठ में प्रबंध समिति के खिलाफ थाने पहुंचे टीचर। बरेली में ट्रिपल मर्डर में नन्हे सिंह भी अरेस्ट, खादर की 1000 बीघा जमीन को हुई थी गैंगवार। बदायूं में गरम पूड़ी के लिए हत्या, 2 पक्षों में हुई थी मारपीट, युवती की मौत, 1 की हालत गंभीर। मुझे मंदी सिलेंडर में देवरिया में ईट भट्टा संचालक को जान से मारने की धमकी, विधायक और थाना अध्यक्ष से लगाई गुहार। शादी समारोह में युवती से छेड़छाड़, फिरोजाबाद में दबंगों ने की पत्थरबाजी, कई लोग घायल, लूटपाट का भी आरोप। हरदोई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, चेन स्नेचिंग करने वाले 2 गिरफ्तार, 1 के पैर में लगी गोली। मथुरा में 2 हत्यारोपी गिरफ्तार, बारात में खाना खाने के दौरान हुई थी युवक की हत्या। आईजी ने शाहजहांपुर के 2 थानों का किया निरीक्षण, क्राइम मीटिंग का दिशा निर्देश दिए, 3 किलोमीटर तक किया पैदल मार्च। उन्नाव में 13 लोगों पर FIR दर्ज, सीचपाल की नौकरी पाने के लिए लगाए फर्जी अभिलेख, जांच में हुआ खुलासा। बदायूं में पकड़ा गया वाहन चोर, वाहन चोरी की 17 वारदातों का अंजाम दिया था, कोर्ट के आदेश पर भगोड़ा घोषित हुआ था।
गाजीपुर में उपेंद्र राय की बेनामी भू संपत्ति कुर्क पुलिस ने 3.5 करोड़ बताई कीमत। विभिन्न जिलों में दर्ज है 9 केस। उन्नाव में जंगली जानवर देखने पर चला सर्च अभियान, चारा डालने की गई महिला को सुनाई गुर्राने की आवाज। गोरखपुर में हुए सड़क हादसे में 3 की मौत, 9 साल की मासूम समेत 3 लोगों को गाड़ियों ने रौंदा, 4 की हालत गंभीर। एटीएस ने अवैध एक्सचेंज में की छापेमारी, लखनऊ से विदेश कराई जा रही थी कॉल। कल्याणपुर में अपार्टमेंट में 8 घंटे चली छानबीन। घर में घुसी बेकाबू कार, 2 बच्चों की मौत, पिता और किशोर समेत 3 घायल, गेट पर खड़े थे मासूम, तभी हुआ हादसा। पेपर लीक मामले में हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा भाजपा के आरोप का अर्थ है हम सही दिशा में हैं। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल से मिले सीएम धामी, कहा वार्ता सकारात्मक, परीक्षा के लिए दी गई शुभकामनाएं। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं से की बातचीत, बोली अभी सीबीआई जांच का औचित्य नहीं। उत्तराखंड में निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले पीआरडी जवानों को बड़ा तोहफा, आश्रितों को मृतक कोटे से मिलेगी नौकरी। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का झांसा देकर हड़पे थे 1 करोड़, बेंगलुरु से गिरफ्तार हुआ ठग। तुर्की में आए भीषण भूकंप की भेंट में चढ़े कोटद्वार के विजय होटल के मलबे में दबा मिला शव, परिजनों में मचा खौराम। उत्तराखंड में नहीं थमा युवाओं का आक्रोश, साथियों की जमानत का इंतजार, हरीश रावत को पुलिस से न मिलने जाने से रोका गया। उत्तराखंड में ईजेई पेपर लीक मामले में 2 सगे भाई गिरफ्तार, पूछताछ में एसआईटी के हाथ लगे अहम सुराग। दहेज के लिए मेजर पति बना हैवान, स्वजन व रिश्तेदारों के सामने पत्नी को बुरी तरह से पीटा, अब जेल में पीसेगा चक्की। नेपाल की सुस्ती से धीमी पड़ी तटबंध निर्माण की चाल, भारत पर भारी पड़ रही है काली नदी का बहाव। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पानी बिजली के बिल माफ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी। दरारों से दर्द में जोशीमठ, 23 दिन बाद भी फ्री बैक्टिफेटेड घरों का निर्माण नहीं हुआ पूरा, अभी करना होगा इंतजार। ऋषिकेश के साथ उत्तराखंड में भी पर्यटक ले सकेंगे लहरों का रोमांच, जल्द शुरू होगी राफ्टिंग। हरिद्वार में घुड़चढ़ी में झूम रहे थे बाराती, बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंदा, 1 की मौत और 31 लोग घायल। बाजपुर पहुंचे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, संदिग्ध आतंकी जग्गा के संपर्क में रहने वाले युवक को उठाया। कनाडा में दिखा संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, 1 दिन पहले अलास्का में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई।
ब्राजील के ऐतिहासिक जीसस स्टैचू पर गिरी बिजली के कैमरे में कैद हुआ अद्भुत पल, तस्वीरें वायरल। ईरान में इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रईसी दे रहे थे भाषण, अचानक हैकर्स ने रोक दिया टीवी कवरेज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी अधिकारी को लगाई फटकार, कहा दुनिया में सबसे अच्छा देश है रूस। अफ्रीका के इक्वेटोरियल गिनी में अनजान बीमारी से 8 की मौत, 200 क्वारंटाइन, WHO ने शुरू की जांच। तुर्की सीरिया में 28,000 से ज्यादा मौतें, आंकड़ा दोगुना होने का UN का अनुमान, पिता ने बेटी का शव खुद निकाला। इजराइल में फिलिस्तीनियों के वुल्फ अटैक की वापसी, यहूदियों के भीड़ को रौंदते हुए निकली कार, 2 लोगों की मौत। ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बम फटा, 24 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज, सैकड़ों लोगों के घर से दूर भेजा था। भूकंप से तुर्की में 500 किलोमीटर की 2 दरारें आई, ये पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन बनी, सैटेलाइट में कैद हुई तस्वीरें। बलूचिस्तान के प्रांत कोहलू जिले में विस्फोट में 2 ऑफिसर की मौत और 3 सैनिक घायल। DGCA ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना, जरूरी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे पायलट। भारत में पहली बार हुई फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप, 46 मिनट में रेस पूरी कर DM पेंसके के वर्गन ने जीती ट्रॉफी। एक्सिस बैंक में एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 7.26% तक मिलेगा इंटरेस्ट। वित्त मंत्री ने की नई टैक्स रिजीम की तारीफ, सीतारमण बोली इससे मिडिल क्लास को लाभ होगा, उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। ओकाया का फास्ट F3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, वाटरप्रूफ स्कूटर में मिलेगी 130 किलोमीटर की रेंज, थकाने पर व्हील लॉक हो जाएंगे। अमेरिका में ईवी कंपनियों में प्राइस वॉर, ईवी पेट्रोल कारों के दाम जल्द ही बराबर हो जाएंगे। रिकॉर्ड बजट मिलने से उत्साह में रेलवे, 300 वंदे मेट्रो और 35 हाइड्रोजन ट्रेन खरीदने की तैयारी। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर दोहरी मार, 170 अरब रुपए की टैक्स वसूली से दवा बिजली सब महंगी होगी। नहीं रुक रहा छटनी का सिलसिला, मेटा कई और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। सोमेटो ने देश के 225 शहरों में समेटा अपना कारोबार, कंपनी का घाटा 5 गुना बढ़ा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ऑस्ट्रेलियाई टीम में हार के बाद बदलाव, दिल्ली टेस्ट के लिए मिचेल स्पेस, फिन के स्पिनर मैथ्यून कुहेन मैन को किया गया शामिल। वेंकटेश प्रसाद ने BCCI पर साधा निशाना, बोले अश्विन क्रिकेट को काफी बेहतर समझते हैं, उन्हें उपकप्तान होना चाहिए।
भारतीय महिला फुटबॉल टीम के पूर्व कोच के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, नाबालिग खिलाड़ी का यौन शोषण करने का आरोप। जीत के बाद बोले आर अश्विन, रेसिंग रूम में बैठना मुझे पसंद नहीं, मैं चाहता था तीसरे नंबर पर आकर बल्लेबाजी करूं। पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने लगाई ऑस्ट्रेलिया टीम को फटकार, बोले ऑस्ट्रेलिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोहम्मद शमी ने राहुल द्रविड़ और विराट कोहली को छोड़ा पीछे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 47 गेंद पर 37 रन हो गए। जडेजा पर मैच की फीस का 25% जुर्माना, नागपुर टेस्ट में उंगली पर मरहम लगाया था अंपायर को, इन्फॉर्म नहीं करने की सजा मिली। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में जीता इंग्लैंड, कप्तान नाइट में सीवन ने 67 रन की नाबाद पार्टनरशिप की, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान, जड स्मृति मंधाना नहीं खेलेंगी। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में अर्पित वसावड़ा का दोहरा शतक सौराष्ट्र को 500 के पार पहुंचाया। आनंद महिंद्रा ने किया नाटू नाटू गाने पर डांस स्टेप, आरआर एक्टर रामचरण बोले आपने तो मुझे भी तेज मूव किया है। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान के पहले गाने का टीजर हुआ रिलीज, हिमेश रेशमिया के म्यूजिक ने बांधा समा। कार्तिक आर्यन के लिए फैंस में देखी दीवानगी, शहजादा का प्रमोशन करने क्लब पहुंचे थे, एक झलक पाने के लिए फैंस का उमड़ा हुजूम। रिसेप्शन के लिए मुंबई पहुंचे सिद्धार्थ, क्यारा आज होगा फंक्शन, सलमान शाहरुख समेत कई स्टार शिरकत करेंगे। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है एंजेलिना जोली, तस्वीरें शेयर कर लोगों से की अपील। मान्यता ने संजय दत्त के साथ किया डांस, एनिवर्सरी के मौके पर शेयर किया वीडियो, फैंस और स्लिप्स दे रहे बधाई। अक्षय ने नोरा फतेही के साथ किया डांस, मजाकिया अंदाज में फैंस ने की ट्विंकल से शिकायत। कंगना ने आमिर खान पर कसा तंज, बोली शोभा डे के रोल के लिए नहीं लेना चाहते थे मेरा नाम। पति युजवेंद्र के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई धनश्री वर्मा, स्पोर्ट इवेंट के लिए पहुंची हैदराबाद। डीडीएलजे पर बोली शाहरुख खान, कहा मैं डीडीएलजे की जगह पठान देखना पसंद करूंगा, मैं नहीं चाहता राज वापस आए। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।